बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, नए नए दांव चलते हैं लोग। अभी प्रतिवर्ष केंद्र में 30 और 32 आईएएस प्रतिवर्ष चुने जा रहे हैं, लिखित परीक्षा नहीं, केवल इंटरव्यू पर। और उन 30-32 में एक भी अनुसूचित जात का नहीं, एक भी अनुसूचित जनजात का नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। आखिर आप तो दुहाई देते हो हिंदू का, तो इन बेचारों को क्यों बाहर कर देते हो? इसका मतलब है आज जो दलित और पिछड़ा है आज भी आपके लिए अछूत है, आपके लिए भी शूद्र है, आपके लिए भी नीच है, आपके लिए भी अधम है, आपके लिए भी वो इंसान नहीं बल्कि जानवर से बदतर है। और यही कारण है कि आप लगातार इनको अपमानित कर रहे हो, इनको सम्मान नहीं देते हो और हिंदू की दुहाई देकर चंद लोगों को माल पुआ हलवा आईएएस की कुर्सी सब समर्पित और करोड़ों की आबादी में, यानी 85% आबादी वाला ये दलित अनुसूचित जात जनजात पिछड़ा वर्ग यह बेकार और 8-10% लोग काबिल। इसलिए मैं इनके अंदर के चरित्र को उजागर करना चाहता हूं। और साथियों, हमारे मीडिया के साथी भी कभी कभी कहते हैं कि मौर्या जी इतना विलंब क्यों किया। अरे भाई, 5 साल के लिए जनादेश मिलता है और 5 साल तो इंतजार करना ही पड़ेगा। अब जब 2022 के नए जनादेश की बारी आई है तब मैंने ताल ठोका है और ताल ही नहीं ठोका है, ये मैदान श्री मुलायम सिंह यादव का है। और हम लोगों का बीच में रास्ता भले अलग अलग हो गया हो, शुरुआती दौर में जब श्री मुलायम सिंह यादव जी लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके साथ मैं भी प्रदेश का महामंत्री था। मैं उनका जो हम अखिलेश जी से पूछेंगे, नेताजी का कौन सा दौर सबसे मशहूर था? अब नेताजी चरखा दांव नहीं लगाएंगे बल्कि अब नेताजी की ये पूरी फौज वो चरखा दांव लगा करके एक एक भाजपा वालों को ऐसी पटकनी देगा कि सबको इस साथियों मैं आपसे आज ये अपील करने आया हूं कि आज मकर संक्रांति के दिन ये जो क्रांति का बिगुल बजाया जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। साथ ही साथ हम मीडिया के साथियों के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, और मैं बड़े बड़े जो अपने को कोई चाणक्य कहता है, अपने को कोई महारथी कहता है, उनको भी कहते हैं आपके पास जितने दांव हो लगा लो,
लेकिन मैं आपको पटकनी जरूर दूंगा, आपको मिट्टी में मिला के रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके रहूंगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश को आपके शोषण से मुक्त कराने का वक्त आ गया है। इसलिए आज मैं श्री अखिलेश यादव जी को और आप सभी लोग जो प्रदेश के कोने कोने से आए हैं मकर संक्रांति के अवसर पर शुभकामना बधाई भी देता हूं। नए उल्लास, नए उत्साह, नए जोश के साथ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का संकल्प लेकर के हमारे सभी नौजवान क्षेत्रों में जुड़ जाएं। 10 मार्च 2022 को जब परिणाम आवे तो उस परिणाम से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार बने और भाजपा पूरी पूरी तरीके से सफाया हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने छोटे लघु मध्यम व्यापारियों से भी कहना चाहता हूं, आप जिस भारतीय जनता पार्टी को अपना मान करके आंख मूंद करके झूम करके उड़ देते थे, उसी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के शिकार होकर आज पूरे प्रदेश का व्यापारी चौराहे पर खड़ा हो गया है, बेचारा हो गया है, लाचारी हालत में हो गया है। इसलिए व्यापारियों से भी हम इस संग्राम में जुड़ने के लिए अपील करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आए हुए सभी नौजवानों भाइयों साथियों को बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर इस अभियान को आगे भी गति देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। एक नारा हमारे साथ दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांधकर, अभी नहीं भाई जब नारा देंगे तब, दो नारा रहेगा, एक डॉक्टर लोहिया जी का, एक डॉक्टर अंबेडकर का। डॉक्टर लोहिया अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्था